हेलो गाइस, आइए देखते हैं हमारी एक और नई वीडियो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो गाइस, फाइनली जो हमारी गाड़ी थी वो डिलीवर हो चुकी थी हमारे को, तो थोड़ा सा टाइम पीरियड के चक्कर में हम बता नहीं पाए। तो गाइस, ये रहा है हमारी गाड़ी का फाइनल बिल, जो हम आपको पूरा नहीं दिखाएंगे। देखो, उस पर कुछ पर्सनल डिटेल्स भी होते हैं, नंबर वगैरह भी हैं। तो गाइस, देख लो आप एक बारी गाड़ी का फाइनल लुक ले लो। पूरी गाड़ी का एक वॉक अराउंड मैं आपको दे देता हूँ कि आप देख लो ये गाड़ी का जो काम होकर आया है। ये देखो गाइस, साइड प्रोफाइल ये है हमारी गाड़ी का, और पीछे से हमने सिर्फ एक इसकी जो टेल लाइट थी ये करवाई थी। ये थोड़ी सी क्रैक आ गया था इसमें, तो ये हमने बाहर से करा ली थी, इसकी नई की अभी ज़रूरत नहीं थी। बाकी देख लो गाइस, उन्होंने एस के मारुति वालों ने अपना ये भी लगा कर दिया, अपना स्टिकर वगैरह। तो अगर किसी को कॉल वगैरह करना तो ये नंबर भी इस पे आएंगे। और गाइस, ये देख लो, ये साइड प्रोफाइल है। तो गाइस, अब अपनी गाड़ी एक साल में पहली बार रबिंग होकर आई है, रबिंग पॉलिश दोनों। तो आप देख लो फाइनल गाड़ी के लुक्स कितने प्यारे हैं। और गाइस, ये है हमारे हाथ में बिल, ठीक है गाइस। तो हम आपको बताएंगे कि हमने गाड़ी में क्या क्या काम कराया और हमारे को कितनी कॉस्टिंग पड़ी है उसकी। तो गाइस, ये देखो, ये है हमारा बिल, ठीक है गाइस। इसके अंदर जो पहला है ये है हेडलाइट का, देख लो गाइस, एक बारी चेकआउट कर लो आप। ये हमारी गाड़ी के हेडलाइट्स हैं, ये दोनों नई लगी हैं, ठीक है गाइस। ये दोनों हमारी गाड़ी के हेडलाइट्स नई लगी है, और जो इसकी कॉस्टिंग हमें पड़ी है वो थी 2080 रुपये, ठीक है गाइस। तो जो शोरूम से ये हेडलाइट है वो 2080 रुपये की है। पैनल फ्रंट हुड, तो गाइस जो ये पैनल फ्रंट हुड है वो है अपना बोनट, ठीक है गाइस। ये भी हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट में चेंज हुआ है, तो ये भी नया लगा है हम अपनी गाड़ी में। और इसके अंदर जो है बम्पर हुड हो गया, और उसके बाद हो गया अपना बम्पर फ्रंट। तो गाइस, बम्पर फ्रंट जो होगा मे बी वो ये है गाड़ी की ग्रिल, ये भी अपनी टूट गई थी, ठीक है गाइस। तो आप चेकआउट कर लो, लोगो एकदम सब कुछ नया है अपना गाड़ी के अंदर इस समय। तो गाइस, ये हो गया इसका बम्पर फ्रंट होल्डर, प्री बम्पर साइड लेफ्ट राइट होल्डर बम्पर, अच्छा ये ब्रैकेट हो गए। तो गाइस, ये देख लो, ये जो अपने बम्पर साइड लिखे हुए हैं इसके अंदर, ये अपने जो बम्पर के यहाँ पर होते हैं ना, इसके बैक साइड में होते हैं, तो ये वो होते हैं, ब्रैकेट होते हैं। तो ये वो लेफ्ट राइट दोनों के डले हैं। और गाइस, ये जो ये था पैनल शायद फ्रंट, ये कुछ और होगा। तो जो अपनी जाली है ग्रिल वो ये रही, रेडिएटर ग्रिल अपर ब्लैक। तो देख लो गाइस, इसका मैं आपको वो नहीं बता रहा कि हमारे को कॉस्टिंग क्या पड़ी, आप बिल में एक बार देख लेना। तो वो ये चीज़ थी। तो अपनी गाड़ी में एक ये पार्ट नया डला था, उसके बाद ये वाला इन्होंने डाल रखा है बम्पर साइड LH, और ये क्रोम वाला अपना ये आ गया जो मारुति का लोगो है, क्रोम वाला अपना ये आ गया लैच हुड और टेप, मेकिंग टेप। तो गाइस, मेकिंग टेप वो होता है जो अपना पेंट करते हुए जब वो लोग अपना न्यूज़पेपर से एरिया कवर करते हैं ना, ये साइडों वाला जो एरिया पोर्शन पेंट नहीं होना होता, तो उसे ये बोलते हैं। तो गाइस, मैं अब आपको वर्बली एक बार बता देता हूँ विदाउट बिल के हमारी गाड़ी में डायरेक्टली क्या क्या चेंज हुआ है वो बता देता हूँ। तो मेनली सबसे पहले आ जाती है गाइस, अपनी दोनों टेल लाइटें नहीं डली हैं, ओ सॉरी हेडलाइटें, टेल लाइटें नहीं, दोनों हेडलाइटें अपनी नहीं डली हैं। देख लो गाइस एक बारी, बल्ब अपने ये वाले मैंने नए डलवा लिए थे, थोड़ा सा उनका कलर फेड हो रहा था। और जो अपने शायद हेलोजन वाले बल्ब थे, ये वाले मैंने वही वाले लगवाए हैं पहले। और गाइस, जो इसके अंदर एक चीज़ नई मैंने डलवाई थी वो थी ये पार्किंग वाला बल्ब अपना, ये दोनों बल्ब फ्यूज थे दोनों साइडों के, तो ये वाले भी मैंने नए डलवाए हैं, ठीक है गाइस। तो वो थी अपनी राइट वाली, अब लेफ्ट वाली आप देख लो एक बारी। तो इसका भी मैंने पार्किंग का जो बल्ब था वो नया डलवाया था ये वाला, और एक इंडिकेटर का भी नया डलवाया था, ठीक है गाइस। तो ये हो गई अपनी हेडलाइट, इंडिकेटर वाले बल्ब और अपना पार्किंग लाइट, तो तीन चीज़ें अपनी ये हो गई। उसके बाद चौथी अपनी डली थी ये वाली ग्रिल, ठीक है गाइस। तो जो लोगो आता है ये अलग से आता है, तो अपनी पाँचवीं चीज़ डली थी ये लोगो। उसके बाद अपना ये बोनट नया डला है, बम्पर नया डला है अपनी गाड़ी में, बोनट नया डला है अपनी गाड़ी में। और एक गाइस, जो मैंने आपने अगर पिछली वीडियोस में देखा हो तो एक यहाँ पे पार्ट था
जो टूटा हुआ था एक अपने वो ने डलवाया इसके अंदर। ठीक है गाइस, तो चेकआउट कर लो आप सारी चीज़ें जितनी भी हैं, हमने सारी उसके अंदर जो भी करवाई हैं वो यही है इसकी सारी डिटेल। और गाइस बैक साइड से, हाँ मैं आपको बैक साइड से भी दिखा देता हूँ। तो गाइस अपनी बैक साइड का जो बम्पर था वो थोड़ा सा क्रैक था, तो हमने वो भी नया डलवा लिया। देख लो गाइस एक बारी, अब आप फाइनल लुक्स एक बारी इसके चेक कर लो, एकदम क्लियर है। मड फ्लैप अपने वही हैं पुराने वाले, टेल लाइट अपनी वही लगी हुई है, शीशे सब अपने वही हैं। तो हमने गाइस गाड़ी में ये सारा काम करवाया था, और उसके बाद आप गाड़ी के फाइनल लुक्स देख ही चुके हैं। तो गाइस फाइनली करते हैं इस वीडियो का एंड, और आपको एक बारी गाड़ी का दोबारा से वॉक अराउंड दे देते हैं, तो आप देख के बता देना कि गाड़ी पहले जैसी लग रही है नहीं लग रही, जब अपनी आई थी ब्लैक बीच तो अभी वही है या नहीं है, तो ये चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। और गाइस ये पूरा काम SK मारुति अपने जो नोएडा सेक्टर 63 में उनके यहाँ से हुआ है गाड़ी के अंदर, और वहाँ पे गाइस जतिन जी थे जिन्होंने हमारा गाड़ी का पूरा काम करवाया। और जिस दिन डिलीवरी का डे था हम इसकी वीडियो शूट कर नहीं पाए क्योंकि मेरे को बहुत अर्जेंटली कहीं जाना था, तो जतिन जी ने बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करी है सारा काम करवाने में, और बहुत ही बढ़िया काम करवाया है। आप देख लो जो स्विफ्ट के अंदर मेन वो रहते हैं कि आपका बम्पर की जो फिटिंग है वो बहुत अल्टीमेट होनी चाहिए, तो बस ये लास्ट में मैं आपको एक बार और चेक करा देता हूँ, देख लो कहीं से। और गाइस अगर आपको लग रहा हो कि ये थोड़ा बहुत जो गैप आ रहा है ये हमारी वजह से ही आ रहा है, क्योंकि हमारा ये जो हिस्सा ये दबा हुआ है और ये इंश्योरेंस में नहीं हमने करवाया। और गाइस इधर का देख लो आप, एकदम चेकआउट कर लो, पूरी हेडलाइट की फिटिंग से लेकर हर चीज़ एकदम अपनी ज़बरदस्त सेट हो। वहाँ से आई है, तो गाइस कमेंट सेक्शन में आप बता देना। तो मिलते हैं फिर से किसी नई नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, टेक केयर एंड बाय बाय।